चीन को मिलेगा भारत का करारा जवाब, चीन के हथियार से उसी को मिलेगी मात। भारत चीनी भाषा से ड्रैगन की चालबाजी का देगा जवाब। भारतीय सेना बना रही चीनी भाषा के जानकारों का पुल। चीन की बढ़ी चिंता। दोस्तों, चीन की चालबाजी को जवाब देने के लिए भारत ने अब उसी की भाषा को जरिया बनाया है, यानी कि जैसे को तैसा। जी हाँ दोस्तों, जैसे चीन हिंदी भाषा के जरिए भारत पर राज जमाने और यहाँ अपना कब्जा बढ़ाने का सपना देख रहा है, ठीक इसी तरह भारत ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए उसी का पैंतरा अपनाया है। पीएलए सैनिकों की रणनीति को गहराई से भांपने समझने के लिए भारतीय सेना चीनी भाषा मंदारिन के विशेषज्ञों का व्यापक पुल तैयार कर रही है। इसके लिए चीनी भाषा विशेषज्ञों की अधिकारी स्तर पर भर्ती करने से लेकर अपने सैनिकों को मंदारिन का प्रशिक्षण देने पर सेना जोर दे रही है। चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया ये कदम उसकी नींद उड़ा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के उन कड़े कदमों के बारे में बताने वाला हूँ जो चीन को ठिकाने लगा सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि चीन भारत के खिलाफ क्या करने की तैयारी कर रहा है। तो इन सबको जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति ने उसके पड़ोसी देशों को परेशान कर रखा है। वो आए दिन अपनी सीमा विवाद को लेकर उससे भिड़ता रहता है, भले ही वो तिब्बत हो या भारत। चीन के सभी देशों के साथ सीमा विवाद जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत में आए दिन घुसपैठ भी करता रहता है और यहाँ की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए नए नए पैतरे अपनाता रहता है। हाल ही में चीन हिंदी भाषा को भी अपना हथियार बनाकर भारत में घुसने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सैनिकों को यहाँ के युवाओं को हिंदी भाषा सिखाकर उसमें अपना कैरियर बनाने का सपना दिखा रहा है। चीन की इसी करतूत का जवाब देने के लिए भारत ने उसी को हथियार का जरिया अपनाकर उस पर हमला करने का फैसला लिया है, जिससे वो चीन के बनाए प्लान और खुफिया जानकारी आसानी से हासिल कर सके। पूर्वी लद्दाख सहित चीन से लगे करीब 34,000 किलोमीटर की लंबी सीमाओं पर भारत चीन के सैनिकों के बीच पिछले कुछ सालों से जारी टकराव के चलते सामरिक रणनीति से जुड़े नए आयामों पर नियंत्रण गौर करते रहना सेना की जरूरत बन गई है। चीनी सेना का पूरा संवाद और संचार तंत्र मंदारिन भाषा पर केंद्रित है। इसको ध्यान में रखते हुए मंदारिन के विशेषज्ञों और दुभाषियों का पुल होना सेना के लिए बहुत जरूरी हो गया है, जिसके चलते सेना ने हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में मंदारिन प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल करने के लिए मंजूरी हासिल की है। इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सेना ने चीनी भाषा विशेषज्ञों के अपने अंदरूनी पुल में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए हैं। वहीं भारतीय सैनिकों को चीनी भाषा सीखने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि सीमा पर विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर चीनी पीएलए कर्मियों के साथ जुड़ने के लिए अपने जूनियर और वरिष्ठ सैनिक कमांडरों को ज्यादा सक्षम बना सके। इसके साथ ही भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों को पूरा करने और सभी स्तरों पर पर्याप्त संवाद संतुलन बनाने, परिचालन और रणनीतिक स्तर पर विशेषण प्रदान करने के लिए मंदारिन भाषियों की सेना को बहुत जरूरी है। कोर कमांडर स्तर की वार्ता, फ्लैग मीटिंग, संयुक्त अभ्यास, सीमा से जुड़े कर्मियों की बैठक और अन्य सभी तरह की बातचीत के दौरान विचारों के बेहतर आदान प्रदान के लिए चीनी भाषा के विशेषज्ञों की मौजूदगी सेना के लिए अपरिहार्य हो गई है। इसके लिए भारतीय सेना देश के कई विश्वविद्यालयों से समझौते भी किए हैं, जिसमें वो अपने कर्मियों को मंदारिन दक्षता प्रदान कर सके। इसमें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रित विश्वविद्यालय और शिव नादर विश्वविद्यालय है जहां ये भाषा सिखाई जाएगी। इसके साथ ही अपने स्तर पर सेना मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में सेना के प्रशिक्षण स्कूल और दिल्ली के विदेशी भाषा स्कूल में मंदारिन भाषा प्रशिक्षण की सीटों को बढ़ाया गया है। मंदारिन सीखने वाले सैनिकों की दक्षता का आकलन करने के लिए निजी क्षेत्र से जुड़े एक भाषा अध्ययन स्कूल को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा सेना के उत्तरी, पूर्वी और मध्य कमान के भाषा स्कूलों में विभिन्न स्तर के मंदारिन के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना विभिन्न लिपियों या साहित्य के अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों का भी उपयोग कर रही है। जहां भारत अपने सैनिकों को चीनी भाषा मंदारिन सिखाकर अपना रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो कूटनीति के जरिए चीन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग सी से मुलाकात के बाद ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बातचीत के दौरान सीमा की स्थिति से संबंधित हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही छात्रों और उड़ान समेत अन्य मामलों पर भी बात की। लेकिन जयशंकर ने यह नहीं लिखा, अपने मित्र से मिला, जैसा कि आमतौर पर वह लिखते हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। वहीं इस बैठक को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन एक साथ सीमा पर शांति और स्थिरता की रक्षा करने में सक्षम और इच्छुक हैं। चीन भारत सीमा पर स्थिति स्थिर है और दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं की सहमति और उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुरूप हैं। इसके पश्चिमी खंड से संबंधित मुद्दों को हल करने पर सहमति बनी है। वैसे तो जाहिर है कि दोनों देशों की राय में अंतर है। वांग यी चीनी दृष्टिकोण को पेश करते हुए कहते हैं कि दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों में अपने सीमा मतभेदों को उचित ढंग से रखना चाहिए और चीन भारत संबंध सही दिशा में होने चाहिए। चीन इस पर जोर देता रहा है कि सीमा समाधान दूसरे संबंधों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जबकि भारत ने हमेशा दोहराया है कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। दोस्तों, पिछले महीने शांगरी लॉ डायलॉग में चीनी रक्षा मंत्री जनरल वे ई फेंगे ने लद्दाख में गतिरोध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष से यह अस्पष्ट है, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे व्यक्तिगत रूप से इस टकराव की शुरुआत और अंत का अनुभव हुआ है। हमें बहुत सारे भारतीय हथियार मिले हैं, उन्होंने अपने लोगों को चीनी क्षेत्र में भी भेजा है, जबकि भारत ने घुसपैठ के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। फेंगे ने यह भी कहा है कि भारत के साथ हमारी कमांडर स्तर की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है और हम शांति के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 16वें दौर की बातचीत के लिए किसी तारीख पर सहमति नहीं बनी है। भारत का मानना है कि चीन नए सिरे से सैन्य स्तर की वार्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोनों देशों ने लद्दाख में 60,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं और एक दूसरे की किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। लद्दाख में भारतीय सैनिक हमेशा ही रहते हैं, वहीं चीन को अपने सैनिकों के रहने के लिए निर्माण कार्य करने पर मजबूर होना पड़ा। चीन जानता है कि भारत के पास आक्रामक हमला करने और उसे शर्मिंदा करने की क्षमता है। गलवान में चीनी वर्चस्ववाद का मिथक टूट भी गया। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत चुप नहीं है। मार्च महीने में चीनी विदेश मंत्री की भारत की अघोषित यात्रा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री चीन में ब्रिक्स नेताओं की बैठक में व्यक्तिगत तौर पर भाग लेंगे, लेकिन भारत की मनाही के बाद बैठक को ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के बीजिंग न जाने से ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चीनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग हटकर आयोजित होने वाले वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता में चीन के प्रमुख सहयोगी पाकिस्तान की भागीदारी भी रोक दी। वहीं चीन के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदगी पर जोर देने पर भारत बैठक में हिस्सा लेने से मना कर सकता था। भारत ने संयुक्त बयान में पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों को युद्ध के औजार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाने की भी अनुमति नहीं दी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे वर्ष दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस बार उन्होंने उनसे फोन पर बात की। यह वन चाइना की भारत की पूर्वी नीति के खिलाफ था। चीन दलाई लामा को विभाजनकारी मानता है, जबकि भारत उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में देखता है। दोकलाम और लद्दाख गतिरोध के बीच मोदी सरकार ने किसी भी तिब्बती आयोजन में भाजपा सदस्यों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से संकेत मिलता है कि अगर चीन सीमा के संकट समाधान से इंकार करता है तो भारत अपनी वन चाइना नीति को बदल देगा। आगे भारत ने यह घोषणा करते हुए अपनी आक्रामकता दिखाई है कि वह अगले साल G20 की, जिसकी अध्यक्षता वो दिसंबर में संभालने वाला है, उस बैठक को जम्मू कश्मीर में आयोजित करने पर विचार कर रहा है, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया है। वहीं चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और प्रासंगिक मुद्दे जम्मू कश्मीर के राजनीतिकरण से बचने के लिए संबंधित पक्षों से आह्वान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम बैठक में भाग लेंगे या नहीं उस पर गौर करेंगे।
साथ ही चीन ने विवादित क्षेत्र से गुजरने वाले अपने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बचाव यह दावा करते हुए किया कि यह एक आर्थिक कार्यक्रम है जो सैन्य या राजनयिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं है। दोस्तों, भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध भले ही जारी है, पर चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी कूटनीतिक और वित्तीय शक्ति का प्रयोग कर रहा है। भारत जानता है कि चीन की तुलना में उसके पास ज्यादा कूटनीतिक वैश्विक दबदबा है और वह चीन को चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह क्षमता इस भरोसे पर टिकी है कि भारतीय सेना लद्दाख के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों को रोक देगी।